जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में महज कुछ दिन से बचा हुआ है। भारतीय टीम को कोच राहुल द्रविड़ की बीसीसीआई ने छुट्टी कर दी है, क्योंकि राहुल द्रविड़ की आगोई में टीम इंडिया न तो पिछली बार एशिया कप जीत पाई थी और ना ही टी20 वर्ल्ड कप। उसके बाद हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हार गई। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ की जगह महेंद्र सिंह धोनी को हेड कोच बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी हेड कोच बनते ही वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक मौजूद प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। एमएस धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे 11 भूखे शेरों को शामिल किया है जो कि गंगाऊ टीम को कुचल कर रख देंगे। एमएस धोनी अब हाल ही में भारतीय टीम को आईसीसी की ट्रॉफी जिताना चाहते हैं। अंतिम बार भारतीय टीम 2011 में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद से अभी तक सूखा ही पड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम में उन खिलाड़ियों को ही शामिल किया है जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी करना जानते हैं और घातक गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को ही शामिल किया है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखकर कंगाऊ टीम के होश उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया टीम अभी से ही थरथर कांपने लगी है। तो दोस्तों, आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस धोनी ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को मौका दिया है, क्या होगी पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक मौजूद प्लेइंग 11, साथ में दोस्तों आपको वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कार्यक्रम भी बताएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आपको बिना ज्यादा वक्त लिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत में सभी टीमों ने पूरे दमखम के साथ तैयारी में जुट गई है और अपनी अपनी प्लेइंग 11 को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम भी कहां पीछे रहने वाली है। टीम इंडिया ने भी वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर सीरियस हो गई है, क्योंकि इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और भारत के लिए यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारतीय टीम घरेलू पिच पर बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करती है, ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले से पहले बीसीसीआई ने सभी टीमों के लिए वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है ताकि सभी टीमें मुख्य मुकाबले के लिए बेहतर से बेहतर तैयार हो सके। आईसीसी ने वार्म अप मुकाबले को 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कराने का आयोजन किया है। भारतीय टीम अपना पहला वार्म अप मुकाबला 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेगी, जबकि भारतीय टीम दूसरा वार्म अप मुकाबला 3 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो जाएगी। 8 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होगी। महेंद्र सिंह धोनी की आगोई में टीम इंडिया इस बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करेगी, ऐसा हर किसी को उम्मीद है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी पूरी जी जान लगाकर भारतीय टीम को ट्रॉफी जिताने के लिए जुट गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना ज़्यादा वक्त गवाए आपको बताते हैं कि हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी ने 8 अक्टूबर को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में भारतीय टीम में किन किन 11 भूखे शेरों को शामिल किया है, क्या होने वाली है पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओपनिंग बैटर की बात करें तो हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल को ही मौका दिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कितने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इन दोनों के बिना रन बनाए भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाए, क्योंकि दोस्तों, जब किसी भी टीम को शुरुआती बल्लेबाजों से एक शानदार आगाज मिलता है तो वह टीम मुकाबला जरूर जीतती है। मौजूदा समय में सुमन गिल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके नाम एक दोहरा शतक भी है। सुमन गिल भारतीय टीम के लिए सबसे बेस्ट ओपनर बल्लेबाज के रूप में साबित हुए हैं, इनके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है। तो वहीं पर दोस्तों, बात करें कप्तान रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा लगातार कई सालों से टीम इंडिया के लिए बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं जिता पाए हैं, लेकिन वह इस बार वनडे वर्ल्ड कप में कोई भी गलती नहीं करना चाहते। रोहित शर्मा के नाम वनडे वर्ल्ड कप में 3 दोहरा शतक है, जो कि दर्शाता है कि उनके जैसा बल्लेबाज पूरी दुनिया में नहीं है। नंबर 3 पर दोस्तों, कोच महेंद्र सिंह धोनी रन मशीन विराट कोहली को खेलने का मौका दिया है। विराट कोहली और एमएस धोनी में बहुत ही ज़्यादा बनती है। धोनी जानते हैं कि विराट कोहली किस तरह के बल्लेबाज हैं, वह क्या कर सकते हैं। विराट कोहली को धोनी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, एक बार मैदान में सेट हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की हालात खराब कर देते हैं। वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली को वेताज बादशाह कहा जाता है। किंग कोहली मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली ने
सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं। 204 पर हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी ने दुनिया के सबसे विश्व बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार अभी तक वनडे फॉर्मेट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जब भी उन्हें वनडे में खेलने का मौका मिला है, उन्हें केवल टीम इंडिया को निराशा ही दी है। लेकिन दोस्तों, धोनी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं। T20 में वह घातक बल्लेबाजी करते हैं और वनडे फॉर्मेट में उन्होंने अपने आप को अब पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और T20 की तरह अब वनडे फॉर्मेट में भी घातक बल्लेबाजी करके सूर्या टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 5 पर लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका मिल गया है। आपको बता दें कि ईशान किशन वनडे फॉर्मेट में अभी तक ओपनिंग करते हुए एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनकी जगह वनडे वर्ल्ड कप में नंबर 5 पर बनी है, क्योंकि ओपनिंग में शुभमन गिल भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। ईशान किशन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। साथ ही दोस्तों, ईशान किशन को वनडे फॉर्मेट में खेलने का अनुभव भी प्राप्त है। ईशान किशन पहली बार भारतीय टीम के लिए वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, जिसमें देखना यह होगा कि ईशान किशन टीम इंडिया के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। हम सभी उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मुकाबला जिताएंगे। नंबर 6 पर धोनी ने ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या को वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए एक एक्सपेक्टेड खिलाड़ी होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से किसी भी टीम को अकेले के दम पर मात दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या अभी मौजूदा समय में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने वेस्टइंडीज के दौरे पर देखा ही होगा, हार्दिक पांड्या जब से IPL में कप्तानी करते हैं, तब से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, वह चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। नंबर 7 पर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिला है। जडेजा एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, साथ ही स्पिन गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं। जडेजा अभी तक टीम इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में साबित हुए हैं। जडेजा टेस्ट हो या वनडे फॉर्मेट, उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कभी भी कोई कमी नहीं निकल सकता है। जडेजा को वर्ल्ड कप खेलने का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। उनके पास बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने की रणनीति बहुत ही कमाल की रहती है। स्पिन गेंदबाजी और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों में इस समय टीम इंडिया में नंबर 1 पर है। चाइना मैन के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। जबकि दोस्तों, तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो तेज गेंदबाजी में भारतीय टीम में 3 धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद शमी और तीसरे खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज। इन तीनों खिलाड़ियों के पास रफ्तार की कोई कमी नहीं है। अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह लगभग 1 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। आयरलैंड के दौरे पर बुमराह काफ़ी धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को सीरीज जिताई थी। तो वहीं पर बात करें दोस्तों मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप कई बार खेल चुके हैं, उनके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है। तो वहीं पर दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज मौजूदा समय में टीम इंडिया के लिए नंबर 1 गेंदबाज हैं। जैसे कि आप सभी ने कई मुकाबले में तो देखा ही होगा कि मोहम्मद सिराज कितने घातक गेंदबाज हैं। तो दोस्तों, यारी वनडे वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक मौजूद प्लेइंग 11, इसमें और किन किन खिलाड़ियों को हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी को मौका देना चाहिए था, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।